सारा तबाह हो गया है, हम लोग को मजदूरी भी खत्म हो गया है, वो ठेके लेके ठेकेदार गायब है, मजबूर है इस रोड पे जाना पड़ता है क्योंकि हमारा काम उस साइड से करते हैं, वरना इस रोड पे चलने के काबिल ही नहीं है, ये रोड चलने के काबिल ही नहीं है। चलो अगर चुनाव में नरेंद्र खान चक्को चले जाता जो जो ठेकेदार जिसका ठेका ले के वो गायब है, वो सबसे पहले तो इसको पकड़ना चाहिए। इतना मिट्टी आते है इसमें, न पानी छिड़काते है न तरकोल लगाते है, कुछ भी नहीं, खाली मिट्टी ही मिट्टी है। सर सड़क पर बहुत बुरा हाल है सर, हमारा तो सुजुकी सर रोज स्प्रिंग तोड़ते हैं, कभी क्या तोड़ते हैं कभी क्या तोड़ते हैं। अच्छा हर बीमारी हमें किस तरह हमारा तेरे बीमारी नहीं हो जाएगा कि ये रोड की वजह से तो हमें मुकम्मल ही कोरोना हो चुका है। तो आपने इसका जो ना सत्यानाश करके रख दिया है, नाश कर दूं मैं, कोरोना नहीं है ये रोड। रोड्स के बारे में ज़रा बताइएगा, कितनी बेहतर बनी है सकरदू शहर की रोड्स, पहले की रोड्स भी आपने देखी हैं, अब की रोड्स भी आपने देखी है। सर रोड तो काफ़ी बेहतर बनी है, मगर रोड वो दसंबर मीनिंग हूँ दान से जो पहले जून जुलाई में जब लगाता था तो उसका माल जो होता है वो चमक चमक नज़र आता था, अभी जो माल है वो बिल्कुल या शहमत एक नहीं हो रहा, बस कुछ नहीं, अभी बस ये सड़क बनाया ना, बस कुछ नहीं बनाया। अच्छा ये सड़क कैसी बनी है? गुजारा है ना। अच्छा गुजारा किस सेंस में? क्योंकि देखे ना पूरा वो रेत निकल रहा है। किधर निकल रहा है? ये नहीं है सर जो निकल रहा है। माशाल्लाह पहले से तो बहुत बेहतर हुए हैं, और ये जो फुटपाथ ये साइड एरिया अगर इनका भी मरम्मत किया जाए तो भी बेहतर होगा। धूल उड़ाती और नाहमवार सड़कें, एक ज़माना था कि सकरदू में सड़कों पर चलना महाल था, लेकिन अब सड़कें पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं, धूल उड़ाती सड़कें अब पूरी तरह से तब्दील हो चुकी हैं और सफरी सहूलियात जो है वो जदीद होते जा रहे हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जब अपने पहले दौरे पर यहाँ पर आए थे तो सड़कों का जो सड़कों की जो हालत थी वो कदर नागुफ्ता बेह थी, और सड़कों पर हम मिट्टी उड़ते हुए धूल उड़ते हुए देख सकते थे, लेकिन शहर सकरदू में पहली बार पेवर के ज़रिए जो है वो सड़कों का काम किया गया है, और इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक रवा दवा भी है, तकरीबन 90% काम जो है रिकारपेटिंग का मुकम्मल हो चुका है। तो आज हम इस सड़क पर का जायज़ा लेंगे, इस सड़क पर हम गुफ्तगू करेंगे, मुख्तलिफ लोगों से मिलेंगे, लोगों की आरा भी लेंगे और लोगों से भी हम बात करेंगे। तो चलें आपको इस सड़क की ज़रा सैर करवाते हैं। ये जो है ओपनिंग पॉइंट था, यहाँ से इस रिकारपेटिंग का काम शुरू हो चुका था। एक दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। मुझे बताइएगा सड़कें अब पहले के मुकाबले में कितनी बेहतर हो चुकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सड़कें पहले की नस्बत बहुत बेहतर हुए हैं। मेरा उम्र तकरीबन 40 साल है, 40 साल में मैंने जीबी में पूरे जीबी में जो है रोड इस तरह से बनना पहली दफ़ा देख रहा हूँ, तो माशाल्लाह से बहुत बेहतर बना है। सही। और इसके ऊपर मेरा आवाम से रिक्वेस्ट है कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ जो है हमारे ऊपर भी आयत होती है कि इसकी हिफाजत अब हमने करना है, इसमें पानी नहीं डालना है, सिरे वगैरह रोड से घिसटते हुए नहीं ले जाना है, तो इन चीज़ों की हिफाजत हमने भी करना है। बाकी हम शुक्रिया अदा करते हैं इस हुकूमत का, तो इसने रोड बेहतरीन अंदाज में हमें बना के दिया है। यहाँ पर मिनिस्टर साहब भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको हम यहाँ पर रोकते हैं, और कौन से मिनिस्टर साहब हैं ये पहले देखना पड़ेगा। हाँ जनाब, ये मैसम काजिम साहब की गाड़ी है। सर
इस रोड पर आप निगरानी करते रहे, आज इस रोड पर चल रहे हैं, बताइएगा रोड कितनी बेहतर हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन हालात में आप जानते हैं कि इस रोड की कंस्ट्रक्शन की मेटलिंग नहीं थी, इसको रिकारपेटिंग और मेटलिंग का नाम दे रहे हैं, बेसिकली ये रिकंस्ट्रक्शन थी। आपको पता है ज़ीरो से हमने ये काम शुरू कराया। लास्ट टाइम जब तशरीफ़ लाए थे वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान यहाँ स्कर्दू में मार्च में, तो अप्रैल मई तक एडमिन अप्रूवल जारी करा दी और उन्होंने टाइम लाइन भी दिया था कि दिसंबर तक, नवंबर के आखिरी हफ्ते तक इस काम की तकमील होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इन टाइम तमाम इदारों ने, तमाम स्टेक होल्डर्स ने बड़ी इफ़िशेंटली काम किया। मैं क्रेडिट देता हूँ मिनिस्टर वर्क्स को, वज़ीर सलीम को, उन्होंने दिन रात मेरे साथ यहाँ पे आते रहे, रात एक एक बजे दो दो बजे काम की निगरानी करते रहे। करने के बाद आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह स्कर्दू शहर 7-8 महीने के अंदर बदल गया है, स्कर्दू की रौनक बढ़ गई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस अरसे में हमारी डिपार्टमेंट के जितने अफसरान थे, बाज़ औक़ात ऐसा हुआ मुख्तलिफ जगहों से कंप्लेन आई तो रात एक एक बजे दो दो बजे हम उनको बुलाते, फिर एक्सपर्ट्स भी साथ में हम लेके जाते थे और क्वालिटी एश्योर करने के लिए भी हमने तमाम तर हमारे अपने वसाइल है उनको हमने यूटिलाइज़ किया। यहाँ मौजूद लेबॉरेटरीज़ के अलावा डाउन के लेबॉरेटरीज़ से भी हमने इस्तेफादा किया, एक तो बरवक्त तकमील की, दूसरा क्वालिटी एश्योर कराया, तीसरा ये कि इससे यकीनन पूरा शहर बदल गया है, आप देख रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब के बाद जब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान यहाँ तशरीफ़ लाए, स्कर्दू सिटी की विज़िट करा दी, इन सड़कों की विज़िट कराने के बाद इतने खुश हुए कि जहाँ जहाँ दो तीन बड़े ऐलानात उन्होंने किए। पहला ऐलान तो उन्होंने ये किया कि जहाँ जहाँ नई सड़कें बनी हैं उन तमाम सड़कों पे सोलर स्ट्रीट लाइट तंसीब की जाएगी 7-8 महीने के अंदर। और मुझे पूरा इस पे एतमाद है मेरी क़यादत पे, सूबाई हुकूमत की क़यादत पे, हमारी टीम कैप्टन पे, कि 7-8 महीने के अंदर ही एश्योर कराएंगे कि इन तमाम सड़कों पे जो पेवर के साथ बन गई है उन पे सोलर सिस्टम भी तंसीब होंगे। और साथ में एक और ऐलान इन्होंने किया है कि सिटी के अंदर हल्का 1, 2 और 3 में जो सिटी के एरिया में आता है उन तमाम अहम शाहराहें जो अप्रूव्ड है उन तमाम शाहराहों को पेवर के ज़रिए कराने का ऐलान किया है। और एयरपोर्ट से लेकर इंशाल्लाह हुसैनाबाद तक आप देखेंगे स्ट्रीट लाइट से स्कर्दू जगमगा उठेगा। सर ज़रा टहलते हुए बातचीत करते हैं, चूँकि आज आपसे बड़ी लंबी गपशप करनी है। इस सड़क का आप खुद मुआयना करते रहे जब तामीराती काम जारी था, एक्सन साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर बताया ये जा रहा है कि ये सड़कें काफ़ी पुरानी थी और नून लीग वालों का ये बताना है कि ये उनका प्रोजेक्ट है, तख्ती आपने लगाई है। आप खुद देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट किसका है। ये प्रोजेक्ट जाके 2 साल बाद कंप्लीट होना था, 2 साल बाद के प्रोजेक्ट को हमने एडवांस में रिलीज़ दी और इसी 1 साल के अंदर तकमील के मराहिल तक पहुंचा दिए। अभी बताया ये भी जा रहा है कि, और मैं क्रेडिट भी दूंगा कि गिलगित स्कर्दू रोड भी पीएमएलएन ने आगाज़ किया, लेकिन किसके दौर में बजट गया। हम ये नहीं कहते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोजेक्ट है, बल्कि वो नून लीग के दौर में ये प्रोजेक्ट इस गिलगित स्कर्दू रोड पे काम शुरू हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं, आप ब्लैक एंड वाइट देख के बता सकते हैं कि 80% से ज़्यादा जो बजट रिलीज़ हुआ मौजूदा गवर्नमेंट ने उस पर रिलीज़ दिया है। और ये प्रोजेक्ट 100% हमारे दौर में ही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, आप उसके ब्लैक एंड वाइट भी देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं। तो 2 साल बाद होने वाले प्रोजेक्ट को 1 साल के अंदर एडवांस रिलीज़ देकर स्कर्दू के शहरियों को इस मुश्किल से और मुश्किल वक्त से हमने बचाया है और स्कर्दू की रौनक बढ़ गई है इससे। सही सर, क्वालिटी के बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा गया। हाँ, कुछ अफराद हमारे पास आए थे और मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा सिविल सोसाइटी का, उन्होंने वक्तन फवक्तन इस पे सवालात भी उठाते रहे और टेक्निकली जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं हम उनको लेके आते रहे। एक तो डिपार्टमेंट के अंदर टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, जाहिर है उनकी ये कोशिश होती है कि जहाँ कमी कोताही हो, वीकनेसेस हो, लूप होल्स हों तो उसको भी छुपा ले, मसलन वो अपनी गलती को उस तरह नहीं बयान करना चाहते। लेकिन हमने एक्सटर्नल जितने हमारे रिसोर्सेज थे, टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे, उन एक्सपर्ट्स को लाकर
हमने एक एक मरहले पे उसकी टेस्टिंग करा दी, ऑब्जर्वेशन करा दी, आपके मटेरियल रेशो से लेकर कंपेक्शन रेशो से लेकर एक एक चीज़ पर टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन को साथ लेके हमने इसकी कंप्लीशन करा दी है। स्टेट ऑफ द आर्ट अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तकमील हो गई है, मैं पूरे यकीन के साथ एतमाद के साथ, मतलब आप इसकी क्वालिटी से पूरी तरह से अश्योर हैं? मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ से उस वक्त स्कूल तक, चूँकि मैं दिन रात था यहाँ पर, यहाँ तक मैंने दिन रात मॉनिटरिंग की, मैंने एक्सपर्ट्स को साथ लेके गए, तो इस पे मैं पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूँ। उधर से आगे तक की तीन तलवार तक की कंस्ट्रक्शन के हवाले से, चूँकि दौरान कंस्ट्रक्शन में नहीं था, तो मैं अपने इदारे के एक्सपर्ट्स की ओपिनियन को सेकंड करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने यहाँ पर मुआयना किया, यहाँ पर मॉनिटरिंग की, यहाँ पर क्वालिटी एश्योर किया, वहाँ भी किया होगा। सही सही। यहाँ कुछ लोग भी बैठे हुए हैं सड़क किनारे, कुछ बुज़ुर्ग दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी हम जानते हैं सड़क के हवाले से, यकीनन उन्होंने भी देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। ठीक है जी, खैरियत? ठीक ठाक। अच्छा बुजुर्ग, मुझे ये बताइएगा, ये जो रोड बनी है, इस रोड को देखकर क्या महसूस कर रहे हैं? रोड पो दिसंबर मीनिंग हूँ दास जो या पहले जून जुलाई में जब लगाता था तो उसका माल जो होता है वो चमक चमक नज़र आता था। अभी जो माल है वो बिल्कुल या शहमत एक नहीं हो रहा है सर। कहाँ पे? ये इधर रेडियो पाकिस्तान से लेकर बस अड्डे तक का सर। नहीं, वो नहीं, मैं इस रोड की बात कर रहा हूँ, यहाँ से रेडियो पाकिस्तान चौक से आगे से आगे तो बेहतर है सर। इधर से जो इधर से आगे जो कोई मोड़ शोर में कोई मसला नहीं है, इधर से आगे बेहतर है। सही माना। तो काम से खुश हैं आप? काम से खुश है सर। सही सही, काम से खुश हैं बुजुर्ग का ये ऐसा बताना है। आप मुझे बताइए बुजुर्ग, आप यहाँ पर रहते हैं, इस रोड के बनने के बाद क्या सहूलियत हुई आपको? सर इस रोड बनने के बाद बहुत हमें सहूलियत हो गया। पिछले साल दो तीन साल पहले इधर दुनिया के गर्दे उड़ते थे, इधर पानी आते थे, इधर हमें दुकान में बैठने की भी जो है ना बहुत ही गंदगियाँ होते थे सर। अब ये रोड बनने के बाद बहुत ज़बरदस्त, बहुत सहूलत हो गया सर, आवाम के लिए भी सहूलत हो गई, हमारे लिए भी सहूलत हो गई, और ये दुकान वकानें जो है गर्दा शर्दा हर उसमें से जो है सर बहुत अच्छा बेहतरीन। तो इस रोड का क्रेडिट किसको देंगे आप, किसने बनाया ये रोड? ये रोड सर गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत PTI और जनाब मैसम साहब की ज़्यादा इसमें कारकर्दगी है, आगाली साहब की रजबी की। सही सही, शुक्रिया जी, शुक्रिया। बुज़ुर्गों से हमारी बात हुई, बुज़ुर्ग भी यही उनका ये बताना है कि रोड काफ़ी बेहतर बनी है। यहाँ पर जितने भी पब्लिक रास्ते हैं मुझे मिलेंगे, मैं कोशिश करूँगा उनसे बात करता हुआ चलूँ। और मिनिस्टर साहब और एक्सन साहब भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, एक्सन साहब ख़ुद भी बनफ़ से नफीस इस रोड की निगरानी करते रहे हैं। इकबाल साहब, इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, मौका मुयसर आया कि आपसे कुछ सवालात किए जाए। मिनिस्टर साहब से हमारी बात हुई थी, रोड कंप्लीट हो चुकी है, आम लोगों से हमारी बात हुई, आपने इस रोड को थ्रू आउट ऑब्जर्व किया है, क्वालिटी के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत सारे सवालात क्वालिटी के हवाले से मन होते रहते हैं कि क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा गया। आप चूँकि रात को भी यहाँ पर निगरानी करते थे, दिन को भी करते थे, या आप यहाँ पर बैठे रहे हैं, तो आप कितने अश्योर हैं कि क्वालिटी इसमें इंश्योर की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चूँकि ये बल्तिस्तान में पहली दफ़ा पेवर पे हम मेटलिंग करने जा रहे हैं और इसमें कोई 90% हमारे कंप्लीट हो चुका है, तो पेवर के थ्रू एग्जीक्यूशन में आपको बिल्कुल आपके इल्म में है कि हम थ्रू आउट इसकी मॉनिटरिंग करते रहे और इसके सुपरविज़न हम प्रॉपरली करते रहे। तो इसमें ये है कि आपके इसके तीन चार लेयर्स होते हैं, मैं इसको थोड़ा ब्रीफ कर लूँ। सबसे नीचे इसका सब ग्रेड होता है, उसके ऊपर सब बेस होता है, फिर उसके ऊपर बेस, फिर वेयरिंग कोर्स आता है। चूँकि ये कंपेक्शन उसका एक लाजमी हिस्सा होता है, जो क्योंकि आप रोल करते हैं, को लेवल करते हैं ग्रेडर के ज़रिए और फिर ले कंपेक्टर के ज़रिए, और आपका जो रोलिंग जो मशीन है टेंडम के ज़रिए उसको प्रॉपरली कंपेक्ट कर लेते हैं। तो हमने कंपेक्शन का हमने बाकायदा टेस्ट किया, बाकायदा इसका टेस्ट होते हैं ऑन साइट, मतलब सॉइल का जो आपके कंपेक्शन के टेस्ट में ये होता है कि ये जो आपका सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट कहलाता है जो ऑन साइट होता है। खैर ये टेक्निकलिटीज़ होगी, तो हमने इवन हमारे अपने लेबॉरेटरी के जो गिलगित के जो आपके इंचार्ज है उसने तीन चार दफ़ा विज़िट किया, रिसालपुर के हमारी जो टीम थी जो यहाँ पे एयरफोर्स के जो बेस पे काम करे, तो उनको हमने बाकायदा ऑन पेमेंट हमने इनको लेकर आए और उसके बाकायदा हमने टेस्ट की, हमने मेटलिंग की कंपेक्शन, फिर मटेरियल की हमने टेक्सला इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लेबॉरेटरी से हमने प्रॉपरली इसके सैंपल्स का हमने टेस्ट कराया।
टेस्ट के बेस पे हमारे पास टेस्ट भी मौजूद है और माशाल्लाह आप रोड को भी देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह क्वालिटी में हमने कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया और इंशाल्लाह ये वक्त साबित करेगा कि इसमें क्वालिटी में कोई हमारी कोई कम्प्रोमाइज़ हमने नहीं किया। तो सर अमूमन ये भी कहा जाता है कि जो तारकोलिंग की गई है उसका सीज़न क्रॉस हो चुका था यहाँ पर, चूँकि सीज़न के हिसाब से काम होता है, तो बहुत सारे लोगों का एतराज़ ये है कि ऑफ सीज़न यहाँ पर तारकोल लगाया गया है जो कि देर पास साबित नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं इसमें इस तरह है कि हमने ऑफ सीज़न में एज सच हमने कोई काम नहीं किया है, लेकिन हमने नवंबर के मतलब अक्टूबर के एंड में हमने इसको क्लोज़ कर दिया है। टेम्परेचर का ये होता है कि ऑन साइट अगर आपका 10+ हो यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तो उसको हमें ऑफ सीज़न नहीं कहते, उसको हम क्योंकि डे टाइम पे हम लिख कर रहे थे जो आपका 10 टेम्परेचर हो रहा था या 8 हो रहा था या 12 हो रहा था, जहाँ तक उसका मटेरियल का टेम्परेचर है वो 160-165 यानी ऑन मशीन के अंदर जो प्लांट के अंदर प्रिपरेशन के हवाले से वो 165 तक मैक्सिमम रखते हैं। लेइंग के दौरान हमारा 140-145-150 के रेंज में रहा, मिनिमम हमारा 120 तक हम उसको चला सकते हैं। तो हमारे पास बाकायदा गेज था, हमारे थर्मामीटर के ज़रिए हमने बाकायदा टेस्ट किया, उसकी भी हमारे पास रिकॉर्ड्स मौजूद है, वीडियोज़ भी है और उसके मतलब पिक्चर्स भी मौजूद है। तो इसमें कोई ऐसे कोई हमने टेम्परेचर के हवाले से कोई कम्प्रोमाइज़ हमने नहीं किया। सर मुझे ये बताइएगा इस वक्त काम कितना फ़ीसद मुकम्मल हो चुका है, क्या 100% काम मुकम्मल हो चुका है? नहीं इसमें 100% तो हम नहीं कह सकेंगे, लेकिन मैक्सिमम हमारा जो काम है यानी 80+, 85 और 90 के रेंज में है। चूँकि हमारा टोटल 11.5 किलोमीटर रोड था और हमें हमारा ये एग्रीमेंट था 2 ईयर्स का, लेकिन सीएम साहब की और गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स थी कि हम फुल फंड कर लेंगे, क्योंकि रोड्स की पैथेटिक के यानी सिचुएशन को देख के लास्ट यानी मार्च में सीएम साहब की जो विज़िट था उसमें ये कहा था कि इन रोड्स को मतलब आपने इमीडिएटली मेटलिंग करनी, हमने उसको ऑन के एज ए डिपार्टमेंट हमने वर्क हार्ड की और तमाम टीम वर्क के ज़रिए हमने कोई 11.5 से 9-9.5 किलोमीटर हम यानी 6 मंथ के कलीम अरसे में हमने ये अचीव किया। इसके अंदर आपको ये मैं बता दूं कोई 70 से 80 के बीच में हमारे कोई कलवर्ट्स थे जो हमने नए कंस्ट्रक्ट किया है, तो ये पूरा डिसमेंटल करके हमने नया एक शहर बनाने की कोशिश की और इसमें मज़ीद हमारा कोई 1.5-2 किलोमीटर रोड है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वर्किंग सीज़न हमारे मार्च में शुरू होगा जाके जून के यानी फाइनेंशियल ईयर में हम इंशाल्लाह इन ऑल रिस्पेक्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा इसमें जो ड्रेन का जो वर्क है, ड्रेन का काम है, साइड ड्रेन का, वो भी हमारा इन प्रोग्रेस है और ऑफ सीज़न की वजह से हमने इसको ख़त्म कर दिया है, बंद कर लिया है। इंशाल्लाह ये फरवरी मार्च में इसको भी रिज्यूम कर लेंगे और इंशाल्लाह ये हम इस फाइनेंशियल ईयर में हम इन ऑल रिस्पेक्ट जो ये प्रोजेक्ट है जो ऑनगोइंग है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। न्यू प्रोजेक्ट्स भी हमारे पाइपलाइन में जिसमें कोई हमारे आपका कहे कि जो लेफ्ट और रोड है ओल्डिंग साइड से लेकर आगे 3 तिलवार तक, फिर बीच में आपका ये जो अलमदार चौक से हुसैनी चौक तक इसको भी हम इनकॉर्पोरेट किया और PC1 हमारे स्टैंड सबमिटेड है। इसी तरह आपका रेडियो पाकिस्तान से आगे हरगिसा तक है, ये यहाँ पे आपका अब्दुल्ला हॉस्पिटल से 411.5 किलोमीटर ये भी हमारे इंक्लूड करके जो 40-50 करोड़ का हमारे पेवर पे ये भी हमारे PC1 स्टैंड सबमिटेड है। तो इंशाल्लाह अगर ये फॉर्मेलिटीज़ हो जाती तो न्यू सीज़न में हम उनको पे भी काम शुरू कर लेंगे। बहुत सर ज़रा टहलते एक्शन साहब का ये बताना है कि क्वालिटी का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है और क्वालिटी को इंश्योर किया गया है, और आम लोगों से भी हम बात करेंगे जो यहाँ पर रास्ते में हमें मिलेंगे उनसे भी हम पूछेंगे, क्योंकि क्वालिटी के हवाले से बात करने के लिए हमें किसी एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए, लेकिन आम लोग भी अपने हिसाब से इस पर राय दे सकते हैं। एक मोटरसाइकिल सवार हमारे साथ इस वक्त हैं, इनसे भी हम पूछते हैं। अच्छा दोस्त मुझे बताएं कब से यहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं और रोड्स के बनने के बाद क्या सहूलियात मुयसर आई हैं? असल में तो 5 साल हो गया सर इधर। अच्छा हाँ सर, 5 सालों में क्या तब्दीली आपने देखी सड़कों के हवाले से? बस कुछ नहीं, अभी बस ये सड़क बनाया ना, बस कुछ नहीं बनाया। अच्छा ये सड़क कैसी बनी है? गुजारा है ना। अच्छा गुजारा किस सेंस में? क्योंकि देखे ना पूरा वो रेत निकल रहा है। किधर निकल रहा है? ये नहीं है सर जो निकल रहा है। अच्छा सही चले जी, ये कहते हैं रेत निकल आ रहा है लेकिन मुझे तो रेत नज़र नहीं आ रहा। चले जी, इनकी असल में मोटरसाइकिल में ऑयल ख़त्म हो गया तो शायद ज़्यादा हाइपर थे। हम यहाँ से गुजरेंगे रास्ते में और रास्ते में लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अतराफ़ में कुछ दुकानदार हजरात भी हैं, कुछ गाड़ी चलाने वाले अहबाब भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग जो हैं वो गाड़ी पार्क करके बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब।
रोड्स के बारे में ज़रा बताइएगा, कितनी बेहतर बनी है स्कर्दू शहर की रोड्स? पहले की रोड्स भी आपने देखी हैं, अब की रोड्स भी आपने देखी है? सर, रोड तो काफ़ी बेहतर बनी है, मगर जो है ना इसके आसपास में जो अभी ये आप बना रहा है ये कुल, सर इसमें कोई अच्छी सी कोई डिज़ाइन से और कोई गहराई में बनाए अभी जो बन रहा है बहुत ही मतलब इसकी ब्यूटिफिकेशन पे काम करने की ज़रूरत है सर। अभी पहले से काफ़ी बेहतर, बहुत अच्छा काम हुआ है। तो आप कब से गाड़ी चला रहे हैं? मैं सर जॉब भी करता हूँ, कोई छोटी सी जॉब कर रहे, नौकरी कर रहे, तो पिछले टाइम पे अपना टैक्सी मैक्सी चलाता हूँ। तो आप सहूलियत हो गई है रोड बनने के बाद? रोड बनने के बाद सर काफ़ी बेहतर हुआ है, गाड़ी ही सर सवारी भी बता देते हैं कि अभी थोड़ा सा जो है ना हमें आराम हुआ है, सुकून हुआ है, तो सुकून का सांस अभी चल रहा है सर। अच्छी बात है सर। चले जी, गवर्नमेंट की मेहरबानी है, अगर और भी थोड़ा अगर देखा जाए ये कूल के लिए, अभी कूल नहीं है सर, अगर बर्फ़ आए, बारिश आए, बुर्गे का आपको पता है नाला आ जाए, पानी आ जाए, तो फिर ख़राब हो सकता है। इतनी मेहनत करके फिर ख़राब होने का कोई फ़ायदा नहीं है। सही सही, इस रोड को बचाना वक्त की अहम ज़रूरत है। और बुज़ुर्ग ने बहुत अच्छी बात की, थैंक यू सो मच। इन्होंने कहा रोड बहुत अच्छी बनी है और सफ़र भी आप इस रोड पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका है, लेकिन जो ड्रेन लाइंस हैं उन पर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, यहाँ पर एक और बुज़ुर्ग हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है हज़रत आपका? मेरा नाम मोहम्मद बशीर है सर। बशीर भाई, बताएं सड़कों के हवाले से क्या कहेंगे, सड़कें कितनी बेहतर हुई हैं या मज़ीद बेहतर की जा सकती है? माशाल्लाह पहले से तो बहुत बेहतर हुए हैं, और ये जो फुटपाथ ये साइड एरिया अगर इनका भी मरम्मत किया जाए तो भी बेहतर होगा इंशाल्लाह। बाकी रोड के हवाले से मुतमईन है? मुतमईन है, बहुत बेहतर हुआ। सही, बहुत शुक्रिया बशीर भाई से हमारी बात हुई। यहाँ पर चूँकि एक्शन साहब साथ बैठे हुए हैं, कुछ लोगों से एक्शन साहब हमारी बात हुई, उनका ये बताना था कि रोड तो कदर बेहतर है, लेकिन जो साइटों पे जो फुटपाथ हैं, जो ट्रेन्स हैं, उन पे कब तक काम शुरू होगा और किस तरह का काम होगा? मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, क्योंकि जो साइड ड्रेन्स का जो प्रोविज़न है वो इसी फुटपाथ के थ्रू ही होना है, वो हमारे अंडर एग्जीक्यूशन है, और ड्यू टू स्लैक सीजन हमने ये सीमेंट वर्क को सस्पेंड किया हुआ है टिल आपका आपका मार्च तक। इंशाल्लाह मार्च में ये काम रिज्यूम होगा, तो इसमें साइड ड्रेन बनेगा, जो रिमेनिंग पोर्शन उसमें हमारा जो शोल्डर्स कहलाता है विद क्रश एंड मोरम, हम इसको मिक्स करके इसको कंपैक्ट कर लेंगे ड्रेन के और आपके बिचुमेन लेयर के बिल्कुल जो जो स्ट्रिप है उसको प्रॉपरली कंपैक्ट होगा, तो इसमें मज़ीद निखार आ जाएगी, मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी, पार्किंग के लिए वो प्लेस भी होगा, तो रोड की जो असल जो कैरेज विड्थ कहते हैं वो प्रॉपरली इंश्योर होगा इसके हवाले। ड्रेन पर भी बहुत जल्द काम शुरू होगा, मार्च में जब सीज़न शुरू होगा तो ड्रेन भी यहाँ पर बनाई जाएगी और साथ साथ पार्किंग के एरिया भी मुख्तस किया जाएगा। आगे चलते हैं और आगे मज़ीद लोगों से बात करते हैं। बल्तिस्तान रिजॉर्ट का ये इलाका है और एक्सन साहब से हमारी बात हुई, क्वालिटी पर बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किए, तो एक्सन साहब ने यहाँ पर ठेकेदार को तलब किया है, उनसे भी हम जान लेते हैं उनकी राय। यहाँ पर ठेकेदार साहब मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो ये दोस्तों से हमारी बात हुई, एक्शन साहब से बात हुई, मिनिस्टर साहब से बात हुई, बहुत सारे दोस्तों का ये कहना है कि क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा गया, क्योंकि एक्शन साहब सही सवाल से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा लेबॉरेटरीज की हैं, आप वैसे तो ठेकेदार जो है क्वालिटी से कितने मुतमईन हैं? नहीं, हम तो डिपार्टमेंट में हर एरिया का अलग अलग से टेस्ट किए और टेस्ट रिपोर्ट हो गए हैं, और इससे अच्छा तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। सही, हमारे हिसाब से हम मुतमईन हैं। रिकॉर्ड अरसे में आपने काम किया, बहुत कम टाइम था आपके पास, कुछ जल्दबाजी नहीं की? नहीं, ये तो हमें टास्क मिला था, हमने इस टास्क को अपने इनके उसके हिसाब से हमने पूरा किया। अभी अभी अपनी बनाई हुई रोड पर आप चलते हैं तो खुशी होती है आपको? हाँ, जाहिर है खुशी होगी। सही, तो आप बहसियत ठेकेदार अपने आप को कितने मार्क्स देंगे, क्वालिटी को देखेंगे, टाइमिंग को देखेंगे, मटेरियल को देखेंगे, तो कितने मार्क्स आप देते हैं? लिहाज से देखें तो इस वक्त हम तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा काम किया। बेस्ट ऑफ लक जी, बेस्ट ऑफ लक। हमारे साथ इस रोड के कॉन्ट्रैक्टर मौजूद थे, इन्होंने कहा कि क्वालिटी का ख्याल रखा गया है और ऑब्जर्वेशन भी की गई है। इसी पॉइंट पर स्कर्दू टीवी के लिए मैंने प्रोग्राम किया था रात को, रात के तकरीबन 2 बजे यहाँ पर काम जारी था, और स्कर्दू टीवी ने ही यहाँ पर धूल मिट्टी उड़ाती सड़कों के हवाले से रिपोर्ट किया था। अब ये सड़कें पूरी तरह से खूबसूरत बन चुकी हैं, सड़कों में अट्रैक्शन आ चुकी है और सड़कों पर चलते हुए अब बहुत अच्छा लगता है। पब्लिक की बातें भी हमने आपको सुनाई और
आम लोगों से भी हमने बात की, मिनिस्टर से भी हमने बात की, हम कोशिश करेंगे कुछ पॉलिटिकल फिगर से भी हम बात करें, कुछ सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट से भी हम बात करें। यहीं पर मोहम्मद अली अंजुम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले चौक पर।